नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अक्सर महिलाओं के प्रति अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी महिलाओं के साथ कुकर्म तो कभी उनके साथ मारपीट और घरेलू हिंसा। ऐसे अपराधों को रोकने और ऐसा करने वालों को दंडित करने के लिए प्रशासन सख्त कानून भी लाती है, जिसके तहत पीड़ित महिलाओं को न्याय भी मिलता है और ऐसा करने वालों को सजा। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इन कानूनों को अपने फायदे मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। कभी अपने साथ झूठी रेप की खबरें बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठती हैं, तो कभी कुछ मर्दों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें 5 साल पहले एक कारोबारी को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला को शाजापुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी महिला पिछले 5 साल से फरार चल रही थी। ये कार्रवाई जयपुर में SOG पुलिस ने की ओर से की गई है। उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। मामले की जानकारी देते हुए ADG अशोक राठौड़ ने बताया कि जयपुर SOG में 2016 में परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके एक परिचित ने उसे किसी लड़की का नंबर दिया था तथा बाद में कार्रवाई की गई। इसके बाद उस लड़की ने उसके साथ लगातार बातचीत कर दोस्ती कर ली तथा उससे संपर्क में भी आई। इसी के साथ उस लड़की ने बाद में पीड़िता को अपनी गैंग के दूसरे सदस्यों को वकील बनकर फोन करवाया तथा बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर खूब सारे रुपए भी ऐंठे। ADG के मुताबिक इस केस में वकील बनकर धमकी देने वाले व्यक्ति तथा पीड़ित का वो परिचित जिसने उसे नंबर दिया था, उसको और उसके साथ कई लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें गौर करने वाली बात तो यह है कि ये लड़की हर जगह अपना नाम बदलकर अपना नया नंबर देती थी और लगातार अपना नाम बदलती रहती थी। इस कारण यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही थी और अभी तक फरार चल रही थी, जिसे SOG की ओर से तकनीकी मदद तथा मुखबिर की सूचना से कड़ी मशक्कत के बाद शाजापुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर ने एक संदेश दिया है कि जरूरी नहीं है कि हर महिला अबला हो, कोई दूसरों को ठग और ब्लैकमेल करने वाली उल्टा भी हो सकती है। ना जाने ऐसे कितनी औरतें रोज उन कानूनों का फायदा उठाती हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऐसी औरतें औरतों के नाम पर धब्बा हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें VK News। धन्यवाद।